हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू क़ीमे की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। जिसके लिए हमने 250 ग्राम क़ीमा ले लिया है बीफ का, और 2 मीडियम साइज प्याज हमने कट करके फ्राई करी है। इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है। इसमें अब हम कीमा ऐड कर देंगे। बीफ का कीमा हमने लिया है, अब इसे हम चम्मच से प्याज के साथ फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हमने एक टमाटर कट करके डाला है। टमाटर से टेस्ट अच्छा आता है कीमे का। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें हमने धनिया पाउडर नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दिया। अब इसे हम मसालों के साथ भूनेंगे। इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। इसका पानी खुश्क हो गया है, अब इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे, जिसके लिए हमने पानी डाला है। और इसे हम ढककर गलाएंगे। कीमा हमारा गल चुका है और तेल इसका अलग हो चुका है। थोड़ा सा हमने और भुना इसे। अब इसमें हम आलू कट करके डाल देंगे। आलू के साथ कीमे को हम भूनेंगे। बस 5 मिनट भूनेंगे, फिर इसको हम गलने के लिए छोड़ेंगे। इसमें हमने पानी डाल दिया जिससे कि आलू हमारे गल जाएं। आलू बहुत जल्दी गलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे हमने ढक दिया है और इसमें हमने हरी मिर्च भी काट के डाल दी है। तो लीजिए, हमारा आलू कीमा तैयार हो चुका है।